वैसे तो अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। लेकिन सर कांग्रेस लगातार ये कहती आई है, चाहे कुमारी शैलजा हो अन्य लीडर्स, की हम जीत रहे हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से उनका सुपड़ा, मुझे लगता है इस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, एक आध घंटे या कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कैसे देख रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी।